Friends, welcome to Prakash Tarot Card Reader. Thanks for taking your time out and watching the video. If you like the video, please do subscribe. Thank you. Hello friends, welcome to my YouTube channel Prakash Tarot Card Reader. ये जो आप रीडिंग देख रहे हैं ये है गणपति बप्पा का क्या मैसेज है इंडिया के लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए. इंडिया ने अपने रोग नेबर्स से कैसे डील करना चाहिए उसके लिए. इंडिया ने वर्ल्ड में अपना स्थान बनाना है तो उसके लिए. फिर वर्ल्ड के लिए क्या मैसेज है कोरोना से निपटने के लिए. वर्ल्ड इकोनॉमी, वर्ल्ड ने क्या करना चाहिए रोग नेशन से डील करने के लिए. फॉर एग्जांपल नॉर्थ कोरिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान जैसे जो रोग नेशंस है इनसे डील करने के लिए क्या करना चाहिए वर्ल्ड ने. देन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए कौन व्यक्ति, डोनाल्ड ट्रंप या जो बाइडन, दोनों में से कौन मोस्ट सुटेबल व्यक्ति होगा एज प्रेसिडेंट फॉर अनदर 4 ईयर्स वो है. ठीक है, तो ये एक शॉर्ट रीडिंग है, 1 कार्ड रीडिंग. अचानक से बैठे बैठे मैंने अपने लिए कार्ड निकाला था तो मेरे दिमाग में आया कि मैं एक जनरलाइज्ड ये भी कर सकता हूँ कि क्या करना चाहिए, गणपति बप्पा का क्या मैसेज है, तो उसके लिए है ये. आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं मेरे इस YouTube चैनल पे तो अपने कमेंट्स, आइडियाज, सजेशंस हमेशा देते रहें, साथ में जुड़ें, सब्सक्राइब करें और फीडबैक, अपना सिंसियर फीडबैक जरूर दें आपको ये रीडिंग कैसी लगी. शुरुआत करते हैं इंडिया के लिए इन जनरल क्या मैसेज है. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सो लुक एट दैट. अब ये जो क्वीन है ये एक ऐसे सिंहासन पर बैठी है जिसके दोनों तरफ शेरों के मुंह है. ये क्वीन जितनी सुंदर है उतनी ही बोल्ड भी है, करेजियस है और सोशल है, काफ़ी सोशल. शी इज़ अ सोशल बटरफ्लाई. सो ये कार्ड कहीं ना कहीं मैसेज देता है इंडिया को कि अब टाइम आ गया है, इंडिया ने अब बोल्ड स्टेप्स लेने ही चाहिए. बोल्ड स्टेप्स है ना, अब जो अभी तक की सरकारें करती आई है कि दूसरे बड़े देशों से दबना, डर के रहना वगैरह, नहीं अब वो सब खत्म. बी बोल्ड एंड बी सोशल. सोशल यानी सभी देशों को साथ में लेके ग्रुप बनाना, जैसे अब यूनाइटेड नेशंस है, ठीक है, वैसा इंडिया भी कर सकता है कि चलो जो भी छोटे और डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनका इंडिया ने ही एक बड़ा ग्रुप तैयार कर लिया और फिर ये बड़े देशों से डील करना कि चलो हम इतने लोग हैं, हमको ये माल इतने में चाहिए, या हमारे यहाँ पे आके करोगे तो हम आपको ये देंगे नहीं तो नहीं देंगे, यानी इस तरह का कुछ दिखता है. अब इंडिया ने उस तरीके से डील करना चाहिए, इंडिया ने नेतृत्व करना चाहिए, नेतृत्व. फिर बात आती है इंडियन इकोनॉमी की, तो क्या मैसेज है. तो थोड़ा सा डिफिकल्ट पीरियड है ऑफ कोर्स, बट इफ मैनेज्ड प्रॉपरली थिंग्स विल बी लॉट क्लियरर, लॉट इजी. बहुत बुरी हालत नहीं है लेकिन हाँ थोड़ी डिफिकल्ट जरूर है, बट अगर सही तरीके से मैनेज किया गया तो ये भी बहुत अच्छी हो जाएगी इंडियन इकोनॉमी. फिर जो हमारे रोग नेबर्स हैं पाकिस्तान से कैसे डील करना चाहिए. जीत लो, हरा दो उनको, एक बार मैं उनको उनकी औकात दिखा दूं तभी उनको समझ में आएगी. फिर चाइना, चाइना से कैसे डील करना चाहिए. इंडिया को सपोर्ट रहेगा, सपोर्ट मिलेगा, कहीं ना कहीं चाइना को व्यापार के जरिए ही लॉन्ग, वो बोलते हैं ना लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से कुछ ऐसे कायदे कानून बनाने चाहिए इंडिया ने दूसरे देशों को साथ में लेके, जिससे कि चाइना
को बड़ा नुकसान हो व्यापारिक रूप से, इंडिया चाइना को व्यापारिक रूप से ही अच्छे झटके देगा ना, तो बराबर वो पटरी पे आएगा। फिर वर्ल्ड के लिए क्या मैसेज है रिगार्डिंग कोरोना वायरस, कोरोना वायरस से डील करने के लिए क्या करना चाहिए, तो ये कार्ड आया है, फूल कार्ड। सो इतना ही कहना है बप्पा का कि भैया डोंट बी केयरलेस, डोंट बी केयरलेस, दैट्स इट। इफ यू आर केयरफुल यू आर सेफ, इफ यू आर केयरलेस यू आर गॉन। फिर वर्ल्ड इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी में इम्प्रूवमेंट के लिए क्या मैसेज है गणपति बप्पा का, ये है, यानी जो बुरे से बुरा होना था वो हो चुका है, अब आगे शुरुआती है, अच्छा ही है रिगार्डिंग वर्ल्ड इकोनॉमी। फिर जो दुनिया में जो रोग नेशंस हैं, जैसे मैंने पहले बताया नॉर्थ कोरिया, ईरान या पाकिस्तान या चाइना, इनसे क्या कैसे डील किया जाए, क्वीन ऑफ सोर्स की तरह डील किया जाए, स्ट्रेट फॉरवर्ड वे, आइदर फॉल इन लाइन और डिसमिस्ड, यू विल बी डिसमिस्ड, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड वे। एक हाथ में तलवार, पहले समझाओ, देखिए इसका एक हाथ खुला है, वो एक हाथ से समझा रही है, लेकिन दूसरे हाथ में तलवार भी है, यानी कि भैया प्यार से बोल रही हूँ, मान ले, नहीं मानेगा तो काट दूंगी, ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में, चिंता नहीं करने का। फिर अब यूएसए के लिए कौन सा व्यक्ति अच्छा रहेगा एज प्रेसिडेंट, सो दिस इज द कार्ड फॉर जो बाइडन, दिस इज द कार्ड फॉर डोनाल्ड ट्रंप। सो जहां बात आती है डोनाल्ड ट्रंप की, ये दोनों कार्ड में से है, ये कार्ड मुझे थोड़ा सा ज्यादा मजबूत दिखता है, नाइट ऑफ पेंटेकल्स, ये शो करता है कि अमेरिका की इकोनॉमी को ट्रंप पटरी पे ले आएंगे, स्टेबिलिटी पे ले आएंगे और गेन ही करेगी अमेरिका की इकोनॉमी ट्रंप के अंडर। जो बाइडन, ये एट द मोस्ट ये इनके 4 साल जो रहेंगे वो एक हॉलीडेज के समान रहेंगे इनके लिए, जिस तरह का कार्ड आया है, वो कुछ बहुत अच्छा करते हुए या क्या नहीं दिख रहा है, इन्हें ऐसा कोई बड़ा मैसेज नहीं मिलता है, बट यस ट्रंप अमेरिका की इकोनॉमी को स्टेबिलिटी पे ले आएंगे। अब इंडिया के लिए क्या मैसेज है, इंडिया ने क्या करना चाहिए कि उसे वर्ल्ड में एक वर्ल्ड सुपर पावर बन सके, वो सुपर पावर, तो ये कार्ड आया वर्ल्ड कार्ड। सो इंडिया के लिए जो मैसेज है वो ये है कि एक चक्र खत्म हो चुका है, कि पेंडेमिक के बाद यूँ सोचना चाहिए कि एक नई शुरुआत है, ये नई शुरुआत है तो नई शुरुआत करो। पेंडेमिक की वजह से बहुत सारी चीज़ों में नई अपॉर्चुनिटीज आई हैं, नए रास्ते खुले हैं, उसका फ़ायदा उठाओ और सुपर पावर बनने की तरफ कदम उठाओ। एक समझ लो कि एक चीज खत्म हो गई, एक साइकिल खत्म हो गई, नई साइकिल की शुरुआत है, पुनर्जन्म जैसा है, तो अब इंडिया ने ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए और उसने सुपर पावर बनना है अगर वर्ल्ड में अपना होल्ड बनाना है, स्ट्रांग मजबूत होल्ड, तो अब टाइम आ गया है एक नई शुरुआत का। सो आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, इंग्लिश वर्जन जो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू।